राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। यह है हिमाचल का चंबा, हरियाली ही हरियाली है यहाँ पे। आप देख रहे हैं इन छतों पर काले पत्थर बिछाए गए हैं। उत्तराखंड में भी छतें इसी प्रकार से बनाई जाती हैं, किंतु यहाँ के जो पत्थर हैं ये छोटे और पतले हैं, क्योंकि यहाँ जो खदान है वहाँ से ही पत्थर ऐसा ही निकलता है। किंतु हमारे उत्तराखंड में बहुत चौड़े चौड़े पत्थर निकलते हैं और छतों पर लगाए जाते हैं। बहुत कुछ उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड भी देवभूमि है और हिमाचल भी देवभूमि है, बहुत सी बातें हमारी मिलती जुलती हैं। और इन्हीं पत्थरों से जो है ये दीवार खड़ी की गई है। आप देख सकते हैं श्रीनुमा खेत है, ऐसा ही उत्तराखंड में भी है और सामने भी वहाँ पर खेत हैं। यहाँ भी खेती के लिए पानी की मुश्किल है, यानी कि सिंचाई का साधन नहीं है, बारिश पे ही डिपेंड करते हैं। एक अंतर है, और उत्तराखंड में जो खेती करते हैं वो भी सीढ़ीनुमा है और वहाँ भी जो है सिंचाई का की सुविधा नहीं है, तो ये एक समानता है। बारिश हुई तो फसल होगी, बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं होगी। किंतु जो हिमाचल का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर हर घर में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पर है, तो यदि खेती नहीं होती है तो उन्हें परिवार को चलाने में कोई असुविधा नहीं होगी। हमारे उत्तराखंड से पलायन का जो मुख्य कारण है वो है रोज़गार। खेती करें और बारिश ना हो तो खाएंगे क्या, बाकी खर्चे कैसे निकलेंगे। इसलिए उत्तराखंड में पलायन बहुत अधिक मात्रा में हो चुका है। और यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने देखा है यहाँ पे सारे काम हिमाचल के ही यानी कि चंबा के ही निवासी करते हैं। हमारे उत्तराखंड में पलायन हो गया और हमारे लोगों ने अपने काम छोड़ दिए, सब नौकरी के लिए बाहर निकल गए हैं। यानी कि हमारे यहाँ पे रोज़गार होते हुए भी बेरोज़गार रहते हैं। वजह है कि उसमें उस काम को करने में कईयों की शान घट जाती है। और मेरा मानना है कर्म करने से, वो भी मेहनत करने से, किसी की शान कम नहीं होती है। और नाश्ता करने के बाद संवाद लेते हुए और वहाँ पानी पीते हुए अभी आप देखिए ये रास्ता, पांव फिसला सीधा नीचे। और ये आप झोपड़ी सी देख रहे हैं, इसे कहते हैं घराड़। और ये पानी बह रहा है, पानी का सदुपयोग घराड़ में किया जाता है। यहाँ पे जो है आटा पिसाई होती है और ये ताऊ जी हैं। ये जो चल रही है चक्की, ये पानी की ताकत से चल रही है, ना कि बिजली की ताकत से। अंदर चले जाओ ना आप। इसे कहते हैं घराड़। इसमें गेहूं भरा जाता है और एक गेहूं के दाने गिर रहे हैं और आटा पीस के पिसा हुआ आटा जो है बाहर पानी से चल रहा है, इसे कहते हैं घराड़। और
जिस चक्की को पानी से चलाया जा रहा है वो अपना काम करके आगे बढ़ रहा है। और ये हैं चक्की के पार्ट। दोस्तों, आज भी यहाँ पर गांव वाले आते हैं आटा पिसाने के लिए। हिमाचल चंबा, धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद।